व्हाट इज़ अप गाइस, आदर्श हियर। तो आज के स्टूडेंट लोग बात करने वाले हैं कि ऐसा कौन सा समय था या फिर ऐसा कौन सा इवेंट था जिसके बाद से हम लोग का गेम एकदम से डाउन हिल जाने लगा है। मतलब इससे पहले तक हम लोग इस गेम को एंजॉय कर रहे थे, सब कुछ ऑल सॉर्ट ऑफ बैलेंस था, गेम हम लोग का ठीक ठाक चल रहा था, ये तो नहीं बोलेंगे उसमें मतलब बहुत ज़्यादा बेटर था, मगर फिर भी अभी जिस कंडीशन में है इससे तो पहले तो हमको लगता है कि बेटर था ही, ठीक है। और वो एग्जैक्ट कंडीशन कौन सा था अब ये कुछ कुछ लोग अभी तक गेस्ट कर चुके होंगे, और अगर आप लोग नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग वीडियो देखने क्यों आए हो, हम आप लोगों को वही तो बताने वाले हैं। सबसे पहला जब हम लोग बॉस सिंड्रोम बैनर इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, क्योंकि जिनको नहीं पता बॉस सिंड्रोम बैनर पहले क्या सीन था, उस समय हम लोग पास सिर्फ हम लोग का यही यूनाइटेड सेवन बैनर ही था, जहाँ पे हम लोग पास वीकली या फिर मंथली कुछ नए फाइटर्स आते थे। एक सेकेंड, हम लोग फाइटर्स में नहीं, हम लोग जाएंगे हमारे समन्स में, ठीक है। तो हम लोग के यहाँ जो समन में था, हम लोग यहीं पर कुछ नए नए फाइटर्स को देखते थे कि वो आते थे, उसके हम लोग समन करें तो ठीक है। अब देखो उस समय सीन ये भी था ना ऊपर से कि हम लोग के पास गिल्ड रेड में बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स नहीं थे, जैसे आज के समय क्या हो गया है कि हम लोग एक ही कैरेक्टर को लेके भाई मतलब वन की में कितना क्लियर कर देते हैं, मगर पहले का समय ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। पहले के समय में हम लोग को कितना रोटेशन करना पड़ता था, फिर स्ट्राइकर देखो, फिर उसके बाद ज़्यादा हिट्स वाला कैरेक्टर कौन है, फिर उसके बाद कौन ज़्यादा जल्दी शील्ड श्रेड कर रहा है, ये सब चीज़ हम लोग देखने पड़ते थे। फिर इमॉर्टल डंजन्स में हम लोग के स्टोन्स कार्ड सब चीज़ के लेके स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता था। मतलब उस समय ए टू चीज़ था कि भाई मतलब क्रिएटर्स के पास भी वीडियो था बनाने के लिए कि हाँ देखो अब हम लोग ये एक नया तरीका से इन लेवल्स क्लियर कर सकते हैं, या फिर देखो ये इस कैटर हम लोग इस तरह से ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब उस समय तो अलग चीज़ था, हम ये एज अ क्रिएटर ही बोल रहे हैं और एक एज अ प्लेयर ही बोल रहे हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास एक चैलेंज सॉर्ट ऑफ था कि हाँ कि भाई देखो हम लोग यहाँ पर ऐसे खेलते हैं, कुछ चलो इसको ऐसे हम लोग यहाँ पे टीम ऐसे स्विच करते हैं, लीडरशिप ये चेंज करते हैं, चलो ये कार्ड्स हम लोग स्विच करके देखते हैं क्या होता है। तो उस समय ऐसा समय था कि भाई हम लोग बहुत सारी चीज़ों ट्राई आउट करते थे, हम लोग देखते भाई ऐसे हम लोग काम बनेगा कि नहीं बनेगा, और बहुत सारी चीज़ मतलब उस समय रैंडम तो नहीं बोलेंगे, मतलब एक चीज़ था कि भाई हाँ चलो ट्राई करके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, कुछ मिला नहीं, ठीक है कोई चौंकने वाली बात नहीं है। तो हम यही आप लोगों को बताना चाहते कि ये बॉस सिंड्रोम बैनर ही ला के ना ये लोग सबसे बड़ा गलती किए, और सिर्फ बॉस सिंड्रोम बैनर नहीं, बॉस सिंड्रोम बैनर तो बस शुरुआत था कि भाई अब गेम हम लोग का डाउनहिल जाने शुरू हो चुका है, क्योंकि उसके बाद से जो हम लोग के एसएस कैरेक्टर्स आए, फिर उसके बाद हम लोग का बीएस कैरेक्टर, फिर एसएस कैरेक्टर। अब देखो उससे चीज़ ये हो गया ना, हम लोग सभी को समझ में आ गया कि अब ये सिलसिला चालू रहेगा, अब इसको कोई रोक नहीं सकता, अब ये सिस्टम जो हो गया है अब ये ऐसे ही होने लगेगा। अब इसमें एक चीज़ ये था कि भाई ये कैरेक्टर काफ़ी ओवरपावर्ड थे हम लोग यूनाइटेड समझ के कैरेक्टर कंपैरिजन में, और फिर भी एक चीज़ था कि भाई चलो हम लोग का किसी फेवरेट कैरेक्टर का बीएस या एसएस वर्जन आने वाला है तो हम लोग रिव्यू सेव करते थे, या फिर हम लोग कुछ भी नहीं जो भी कैरेक्टर आ रहा है उसके लिए हम लोग सेव करते थे, समन करते थे, जो करना था वो हम लोग करते थे। मगर उससे बड़ा गड़बड़ क्या हुआ बोलो, कि जब हम लोग का डोवा 6 का कोलैब आया, उस समय ये लोग क्या किए, कोलैब में एसएस कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। अब गड़बड़ क्या कर दिए यहाँ पे कि ये कैरेक्टर्स सबसे ओवरपावर्ड चले गए, इन कैरेक्टर्स में उतना दम था नहीं, मगर दम था बहुत ज़्यादा अच्छा खासा दम था, मगर क्या बोले अब जिन लोगों को सबसे ताकतवर अपग्रेड करना वो तो उसको कर नहीं पाएंगे। और उसके बाद फिर क्या, ये लोग हर एक कोलैब में एसएस कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते गए, और इन कैरेक्टर्स की दिक्कत ये है ना कि अब देखो ये इन लोगों का बिजनेस परस्पेक्टिव से इन लोगों का ऑडिशन काफ़ी सही था, मगर चीज़ ये है कि एसएस कैरेक्टर्स को अवेकन करने के लिए आपको या तो एसएस मेमोरी चाहिए या फिर उसी कैरेक्टर का आपको मेमोरी चाहिए, और देखो उस कैरेक्टर मेमोरी तो आप लोग समन करने से ही मिलेगा, और एसएस मेमोरी भी अब जाकर उन लोगों को गिल्ड रेड में हम लोग को मिलने लगा है, तो उसमें वो भी नहीं मिलता था, ठीक है। गिल्ड रेड में पहले नहीं मिलता था हम लोग को एसएस मेमोरी और बीएस मेमोरी, ये हम लोग इन्फर्नो है उसके बाद से ही ऐसा हुआ है। और उससे बड़ा दिक्कत क्या करती है लोग मालूम है, अब ये जो नए ईएक्स कैरेक्टर्स को लेकर आ गए हैं, मतलब भाई क्या है ये कुछ मजाक चल रहा है यहाँ पर। हाँ एक समन पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक जाने में हम लोग का 18,000 रुपीस लगते हैं, उसमें भी रेट्स का तो आजकल तो इतना घटिया चल रहा है कि एक आदमी पूरा समन कर डाले उसको एक भी कैरेक्टर ना मिले ईएक्स वाला, वो कैसे सो एटलीस्ट A3 तक तो लेके जाएगा ना, मतलब A3 तक अगर हमको लेके जाना और लक एकदम घटिया रहा सिलेक्टर से ही तो 36-54,000 रुपीस सिर्फ एक कैरेक्टर को लेकर जाने के लिए लग जाएंगे, और वो एक कैरेक्टर कब तक साथ देने वाला है, 1-2 महीने मैक्स टू मैक्स, तब तक उसको लोग मैक्स में रखेंगे नहीं तो उसके बाद उसको नर्फ कर देंगे। जैसे हम लोग आप लोग अपने पहले के जो कैरेक्टर्स यहाँ जैसे एसएस बैनर में या बीएस बैनर, इन कैरेक्टर्स को आप लोग जब नए नए पाए होंगे तो हम लोग देखेंगे इन लोगों का नंबर आउटरेजियस था, मगर अब क्या है इन लोगों का नंबर डिक्रीज हो चुके हैं। तो यही चीज़ था इन लोग जो गड़बड़ किए बहुत ज़्यादा बड़ा वाला कि भाई इन लोग एसएस मतलब इन शॉर्ट अगर बोले
तो ये लोग पावर क्रिप्स को लेकर इस गेम को अब बर्बाद कर दिए हैं एक हद तक, ठीक है। कि देखो पावर क्रिप लाके क्या चीज़ किए ये लोग, कि ये लोग उस हिसाब का हम लोग गेम मोड सब नहीं लेकर आ पाए जहाँ पे हम लोग उन पावर क्रिप्स का ज़बरदस्त इस्तेमाल कर पाते हैं। ऐसा तो हुआ नहीं, और बस वही गिल्ड रेड है जहाँ पर हम लोग को सर्टेन मोड से स्कोर रीच करना है, और वही एक रिवॉर्डिंग गेम मोड है। टाइम अटैक में क्या है, वहाँ पर हम लोग कैरेक्टर बस सफिशेंटली पावरफुल हो, और मैक्सिमम टाइम तो हम लोग पास मास्टर में भी आप लोगों का A1 कैरेक्टर अगर है, या फिर आप लोगों का वेटरन भी कैरेक्टर A1 है, और आप लोग स्टोन्स दिए हुए, तो आप लोग स्किलफुली खेले तो आप लोग SS रैंक आराम से पा सकते हो। तो इस पावर क्रिप का कुछ ज़रूरत हमको तो नहीं दिखाई दे रहा, जो लोग करते ही जा रहे हैं। या क्रोनियन को ले लो, ये A1 में ही तबाही करके करता जा रहा है। A7 बनाया कोई रीज़न है इसका, हमको तो अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा जिस तरह से हम लोग के एग्जिस्टिंग गेम मोड्स हैं, क्योंकि अभी तो ऐसा सीन है कि एक कैरेक्टर अकेला ही शायद इमॉर्टल डंजन्स को ख़त्म कर दे। तो हाँ, यही वो समय था जिसके बाद से लोग सबसे बड़ा गड़बड़ करना चालू किए हैं। अब आप लोग इस वीडियो से कितना एग्री करते हो नहीं करते हो, अपने लाइक और कमेंट्स हमको नीचे जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।